के इतिहास के पन्नों में अनेक वीरों के शौर्य और साहस की गाथाएं मौजूद हैं। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी आदि ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से सभी को चौंका दिया। ऐसे ही दो वीर योद्धा हुए बुंदेलखंड के आल्हा और ऊदल। इन वीरों की वीरता की जिनती भी प्रशंसा की जाए वो कम है। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में दो ऐसे भाइयों का जन्म हुआ था जो बचपन से ही बहुत पराक्रमी थे। पराक्रमी होने के साथ साथ इनको शास्त्रों का ज्ञान भी था। इन दोनों भाइयों के पराक्रम को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर और भीम का अवतार भी बताया जाता है। आल्हाउदल की गाथा उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से जैसे बुंदेलखंड, कन्नौज और कानपुर आदि तक में मशहूर है। बुंदेली इतिहास में तो आल्हाउदल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, यहाँ तक कि बुंदेलखंड में आज भी इनकी वीरगाथा गाई जाती है। दोनों को दसराज और दिवला का पुत्र माना जाता है। दसराज चंदेलवंशी राजा परमल के सेनापति थे। आल्हा को माँ शारदा का परम भक्त माना जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। आज भी बैरागढ़ के माँ शारदा के मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि वहाँ हर रात आल्हा माँ की आराधना करने के लिए आते हैं। रात को सफाई करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सुबह जब ये कपाट खुलते हैं तो यहाँ पूजा करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार 800 साल बीत जाने के बाद भी महोबा के उदल चौक से उदल के सम्मान में लोग यहाँ घोड़े पर सवार होकर नहीं जाते हैं। यहाँ पर शादियों के समय में दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर नहीं निकाला जाता है। कवि जागनिक की मशहूर कविता आल्हा खंड में इन दोनों के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन है। आल्हा और उदल दोनों का आखिरी युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में जब बुंदेलखंड को जीतने के इरादे से पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था, तब उस समय महोबा चंदेलों की राजधानी थी। बैरागढ़ की एक बड़ी लड़ाई में आल्हा के भाई उदल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला बोल दिया था। करीब एक घंटे तक युद्ध लड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा रण में एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। आल्हा ने अपने पराक्रम से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ के आदेशानुसार आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। इसके बाद आल्हा संन्यास लेकर माँ शारदा की भक्ति करने लगे थे।